उसके बाद भी जिस प्रकार के सारे बात हो रही है, हमको लगता है कि पहले गवर्नमेंटाइजेशन से कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन से प्राइवेटाइज करेंगे, और प्राइवेटाइज करने के बाद फॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये जितना भी सिस्टम खड़ा है, ये गवर्नमेंट सरकारी एक्सचेकर पर खड़ा है, टैक्स पेयर के पैसे से खड़ा है, इसको बेचने का इस प्रकार से अधिकार है। ये हम ऐसे ही मानते हैं कि सोने देने वाली मुर्गी के अंडे को मारने की लेने की बजाय मुर्गी को ही मार दो। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इस निर्णय को देश विरोधी मानता है। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने तय किया है कि वो देश में मोदी सरकार के खिलाफ सेव पब्लिक सेक्टर सेव इंडिया मुहिम छेड़ेंगे। मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को बेचने का विरोध होगा,